एक साल का कार्य अब 30 दिन में पूरा करेगा नगर निगम रुड़की और लोक निर्माण विभाग। जबरेडा के विधायक देशराज कर्णवाल ने आज लोक निर्माण विभाग और नगर निगम रुड़की के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में विधायक देशराज ने बताया कि उनकी विधानसभा जबरेडा से संबंधित नगर निगम रुड़की और लोक निर्माण विभाग के राज्य निधि से 14,74,00,000 के कार्य, SC एवं SV के 53,56,00,000 के कार्य, केंद्र निधि से सड़क निधि 611,53,00,000 रुपए कार्य, पुहाना नवीकरण से 55,00,000 से कार्य, ये कार्य लगभग एक वर्ष से पेंडिंग चल रहे थे। विधायक ने दोनों विभागों को निर्देश दिए कि सभी कार्य 30 दिन के भीतर समाप्त करने होंगे। अपर 30 दिनों के अंदर ये लोग ये कार्य नहीं समाप्त करते तो यहाँ से उनको पहाड़ पिथौरागढ़ भेज देंगे। उन्होंने कहा कि अब सभी अधिकारियों को बताया गया है कि सलेमपुर, कृष्णा नगर, मतलबपुर की जल निकासी की समस्या जल्द ही दूर होगी, क्योंकि जल्द ही नव निर्माण नालों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। विधायक ने नगर निगम रुड़की आयुक्त नुपुर वर्मा को आदेश दिया है कि नालों का जो कार्य धीमी गति से चल रहा है उस कार्य को तेज कर एसी के कमरों से निकलकर मौके पर जाकर कार्य करवाएं। कार्यों में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्यवीर त्यागी ने बताया कि विधायक द्वारा बताए गए सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। नगर निगम रुड़की की आयुक्त नुपुर वर्मा ने बताया कि अब मौके का संज्ञान लेकर सभी कार्यों को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। क्षेत्र में कार्य करें वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि उनकी जितने भी कार्य स्वीकृत हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। और मैंने भी अपने अधिकारी से बोल दिया कि उन विधायक जी की इच्छा के अनुसार जो भी उनके कार्य स्वीकृत हैं उसको जो भी हिंड्रेंस आए उनसे व्यक्ति से संपर्क कर लें। कोई कठिनाई हो तो मुझे बताएं, मैं अपने उच्च अधिकारी से संपर्क करूँगा, माननीय विधायक जी से संपर्क करूँगा। उनके क्षेत्र के जितने भी कार्य हैं उनको प्राथमिकता का आधार पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा और मेरा अथक प्रयास होगा कि इस वित्तीय हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम है। उसमें नाले का निर्माण हो रहा है एक सलेमपुर एरिया में, उस PWD भी है इस मीटिंग में ज्वाइंट की, तो कुछ नाला जो है आधा PWD के द्वारा निर्माण किया गया है पूर्व में ही, तो लेवलिंग की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसी का रिमूव करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए उसका एक ज्वाइंट टीम 26 तारीख को निरीक्षण करेगी उसका और लेवलिंग पर मतलब इस लेवल पर उसको बनाया जाएगा कि कोई समस्या ना आए। निर्माण कार्य के लिए लगभग 18 महीने पहले उसका दौरा कर दिया गया था, लेकिन आज तक भी क्या PWD या नगर निगम PWD कर रहा था इसका काम, नगर निगम ने तो अभी करना शुरू किया है जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो लेवलिंग की प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पर, उसको निस्तारण जल्दी से किया जाएगा। और PWD के अधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा बैठक की है। PWD के अंतर्गत जो राज्य योजना से 41,72,97,000 रुपए के विकास कार्य राज्य योजना के अंतर्गत, SC SP 53,56,000 मुंडेट में जो निर्माण कार्य होना है, जिला योजना से 4,47,59,000, केंद्रीय सड़क निधि से 611,53,00,000, नवीनीकरण कार्य 55,00,000 का पुआने वाला, तो इन PWD के द्वारा इन निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और समीक्षा में ये पाया गया कि एक साल से जो मेरे प्रतिनिधि, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटा रखे थे मेरे बड़े भाई ने, उस वजह से जो काम बाधित हुआ है एक साल में, मैंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि एक साल का काम आपको एक माह में पूरा करना होगा, एक दिन भी फालतू नहीं। एक दिन फालतू होने पर अगर एक दिन भी लेट हुए तो आपको हरिद्वार छोड़ना पड़ेगा और धारचूला पिथौरागढ़ साइड में जाना, तो बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं। इसी तरह नगर निगम के अधिकारियों को कि जो नाले की समस्या है सलेमपुर का नाला